आम के पाउडर की तो हर दिन ज़रूरत पड़ती ही है, तो क्यों ना आम के पाउडर को घर पर तैयार करके साल भर के लिए रख लिया जाए। नमस्कार, अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे आम से आम का पाउडर। तो कच्चे आम आ रहे हैं मार्केट में, 1 किलो ये आम हैं मीडियम साइज के। और सबसे पहले हमें इनको धोकर इनकी जो गंदगी है इनको निकाल कर पोंछ लेना है। सभी आमों को हमने धोकर साफ कर लिया है और इनको पोंछ भी लिया है। अब हम इनको छीलेंगे। यहाँ पर हमने आमों को छील कर तैयार कर लिया है। अब हम इनके पतले पतले चिप्स बनाएंगे। तो हमारे पास सहायता से चिप्स बनाएंगे तो पतले भी निकलेंगे और जल्दी भी हो जाएंगे। थोड़ा संभाल कर ही करना है क्योंकि इसमें गुठलियाँ होती हैं और आम थोड़ा चिकना होता है, फिसलता भी है। पतले चिप्स बनाने का मतलब बस यही है कि ये जल्दी सूख जाते हैं। अगर इनको चाकू से काटेंगे तो ये इतने बारीक नहीं बनेंगे और सूखने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाता है। सारे आम के चिप्स हमने बारीक बारीक तैयार कर लिए हैं और अब हमें इनको डायरेक्ट ही सूखने के लिए डाल देना है। हम इनको धो नहीं रहे हैं क्योंकि हमने इनको पहले ही धो लिया है, और फिर से अगर धोएंगे तो इसकी खटास कम हो जाएगी। और ये साफ़ हैं तो ये जो गुठलियाँ हैं इनसे भी हमने निकाल लिया है, और जो कुछ थोड़ा बचा है वो अभी फिर से निकाल लेते हैं। और अब हम इन्हें डालते हैं सूखने के लिए। थालियों में हमने आम के चिप्स को फैला दिया है, अब हमें इनको धूप में रखना है। प्लेटों को कवर कर दिया है और अब हम इन्हें सूखने देते हैं। इस तरह से हम 2-3 दिन इनको सुखा कर रेडी करेंगे। चार दिन मैंने धूप दिखा दी, अब ये अच्छे सूख चुके हैं। लेकिन मुझे प्लेटों को ग्रीस करने का ध्यान नहीं रहा, इसलिए ये सूखने के बाद थोड़े से चिपक रहे हैं। तो फ्रेंड, आप प्लेटों में अगर डायरेक्ट रख रहे हैं तो ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, और 4-5 दिन की तेज़ धूप में सूखने के बाद ये बिल्कुल पीसने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, आम बिल्कुल कुरकुरे हो रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक कुरकुरे नहीं रहते हैं। जैसे ही हम इनको धूप से उठाएंगे तुरंत हमें मिक्सी के जार में डालकर पीस लेना है, क्योंकि आम बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। तो मैं अब फटाफट इनको मिक्सर के जार में डालती हूँ और एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार करके आपको दिखाती हूँ। 2-3 मिनट में ही पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसको छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी बारीक दिख रहा है, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो ही इसको छानिए, नहीं तो इतना बारीक आम पाउडर डायरेक्ट स्टोर करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड, इसी तरह से आम पाउडर बनाकर साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब तक कच्चे आम आ रहे हैं और धूप भी तेज़ निकल रही है, इसी बीच में ये बना लिया जाता है। तो आम पाउडर बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब